कोई कितनी ही बड़ी हस्ती आप पे दबाव बनाने की कोशिश करे, दबने क्या हो सकता है, जो दबाव बने उसको सकना मुझे। राजी मानेगा राजी मत बनाऊंगा, और राजी नहीं मानेगा तो शक्ति के साथ पे साथ। सफाई व्यवस्था में आपने जो संख्या दे रखी है, ये नियमित कर्मचारियों केस है, उसके अलावा ठेके पे भी ले रखोगे, वो संख्या आपने निर्धारित कर रखी। और आप लोग ये समझते होंगे कि शहरों के विकास में गांव का आदमी कहां से टांग रहा है, पूछा। इसलिए इस भ्रम को भी अपने दिमाग से निकाल दें। मैंने बहुत दुनिया देखी है, बहुत संघर्ष किया है, और मैंने जो काम किए हैं वो अगर सुनोगे तो फिर आप मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को संयमित रख के अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठापूर्वक कीजिए, और आप पे अगर कोई अनुचित दबाव बनाता है तो उस दबाव को मेरे तक पहुंचा दीजिए, उस दबाव को मुझे। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं अब हो सकता है 13-14 तारीख के आसपास आचार संहिता लग जाए, और उससे पहले मेरा बाड़मेर आना नहीं हो, लेकिन जैसे ही मई में चुनाव खर्च समाप्त होगा मैं बाड़मेर का 2 या 3 दिन का दौरा करूंगा, और एक एक मुद्दे पर जो पैसा खर्च हुआ उसका कितना सदुपयोग हुआ, कितना दुरुपयोग हुआ, एक एक पाई पाई का हिसाब लूंगा। और कहीं भी मुझे अनियमितता मिली तो अपने उस अनियमितता के लिए अंजाम भुगतने के तैयार रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। साथ ही आज के कार्यक्रम में जिन स्ट्रीट वेंडर्स को, जिन महिला स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों को जो राशि के चेक मिलने, मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि ये राशि आपको प्रधानमंत्री जी द्वारा इसलिए दी जा रही है कि आपको पहली किस्त में 10,000 रुपये अगर मिलते हैं तो आप उससे उद्यम करके, उद्यम समझती हो ना, वो वाला उद्यम नहीं, उछल कूद वाला, काम धंधा करके, उद्यम करके, और उस 10,000 को जब तक आप 12.5-13 हजार नहीं बनाओ तब तक प्रधानमंत्री जी की योजना सफल नहीं। और पिछले दिनों में मैं जिन जिन शिविरों में गया हूं, बहुत से सज्जन और देवी ऐसी भी मिली हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में 10,000 रुपये का बिना गारंटी का ऋण लिया, और आज उनके लिमिट लगभग लगभग 1,00,000 रुपये के आसपास। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक इच्छा थी कि प्रधानमंत्री जी ने जिस इच्छा के साथ, जिस उम्मीद के साथ मुझे ये 10,000 रुपये दिया है, इससे मेरे परिवार को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाकर मेरी आने वाली पीढ़ी को आर्थिक संबल प्रदान करना है। और जिस दिन ये विचार आपके मन में आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में 1 करोड़ लाखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, अभी उसको 3 करोड़ कर दिया, और अगर आप सही रास्ते पर चलती रही तो आने वाले समय में 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ भी ये संख्या बढ़ सकती है। ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप उसका कितना सदुपयोग करते हैं और कितना दुरुपयोग करते हैं। इससे ज्यादा मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, क्योंकि समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं, और उनको चाहे आप बात समझा दो फिर भी वो कीचड़ में ही लौटना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना, इसी के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ, और मैं प्रेम का जी पर जिम्मेदारी डाल के जा रहा हूँ, और साथ में सहयोग के लिए यहाँ के सभापति जी पे जिम्मेदारी डाल के जा रहा हूँ कि इन सबको, इनके हिस्से के चेक वो अपने कर कमलों से वितरित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।